हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तो मैं चिंचांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो नए प्रोडक्ट में है ये शू है, ये देखिए, ये पाम शू भी कहते हैं, ये स्किन लेदर वाला पाम शू है और ये इसका ब्रांड है। इसका ब्रांड देखिए स्किन लेदर का है, ये वेस्ट बंगाल का कंपनी है, अभी तो ये भारत में बहुत सारे जगह में है। देखिए इसका बैग देखिए, और ये देखिए श्री लेदर। मैं थोड़ा सा इसका पैक रिव्यू दूंगा और क्यों रिकमेंडेड है। इसका दाम देखिए, आर्टिकल नंबर है 200275, ये ब्लैक कलर है, 770 है, तो ये वन पेयर फिटवेयर है। ये देखिए, ये श्री लेदर का बैंड है। ये सब मैंने आपको पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैं पहले ये वाला शू है, तो मैं खुल के, और एक शू भी है इसके अंदर में भी शू है। देखिए अभी ये जो पैकेट है, पैकेट भी बहुत सुंदर आ रहा है। देखिए ये वाला पैकेट है, ये देखिए ये वाला पैकेट आ रहा है, इसके अंदर भी ये वाला शू है। ये देखिए ये वाला शू है, ये देखिए ये वाला शू इसके अंदर है। मैं अभी इसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, ये लेना चाहिए है कि नहीं। तो ये वाला जो शू है, मैं पहले इसका थोड़ा सा डिटेल्स मैं बता देता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप ये लेंगे क्या नहीं लेंगे। मैं तो कहूँगा ये दो टाइप के लोगों के लिए है, एक थोड़ा सा पैसा बचाने वाला और थोड़ा सा जो पहले खर्चा कर देते हैं लेकिन वो 5-6 साल तक जूते पहनते हैं, और जो लोग होता है हर महीने, हर आफ्टर 6 मंथ, एवरी 6 मंथ वो नए नए जूते खरीदते हैं, वो दोनों टाइप के हैं। ये सेकंड वाला जो हर 6 मंथ तो नए जूते खरीदते हैं, वो सेकंड टाइप का है। और फर्स्ट टाइप का है जो ज़्यादा खर्च करते हैं और ज़्यादा दिन तक रखते हैं, वो फर्स्ट टाइप का है। मैं फर्स्ट टाइप का हूँ, जूते मैं ज़्यादा पैसे देकर खरीदता हूँ लेकिन पहनता हूँ एकदम 6-7-8-9-10 साल, तो मैं से फर्स्ट टाइप का हूँ। तो ये मैं पहले ये थोड़ा सा देखिए ये कैसा है, ये डिज़ाइन थोड़ा सा देखिए, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। ऑफिस शू है, ये कैजुअल शू नहीं है, ऑफिस शू है। अभी तो ये नीचे देखिए, ये जो सोल है इसमें होलोग्राम भी लगा रखा है, देखिए होलोग्राम, और इसका 42 साइज़ है, यानी 9 साइज है, साइज 9, यानी 42 साइज। ये 5 फीट 11 इंच का जो लोग का पैर होता है, 5 फीट 11 इंच 10 इंच, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये जो है ये स्किन लेदर है, और बहुत सारा ये सी लेदर का प्रोडक्ट मेरे चैनल में है, जस्ट चेक इट आउट। ये स्किन लेदर है, स्किन लेदर में मेंटेन बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, और ये ब्रांड का है। और क्या होता है, ये आप अगर रोज़ 15 मिनट वॉकिंग और 15 मिनट आने और 15 मिनट जाने के लिए आप अगर ये पहने तो ये 6 मंथ चलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो सोल्ट है ये सोल्ट गारंटी फट ही जाएगा। इसका यही होता है, जूता सब कुछ ठीक होता है लेकिन सोल्ट फट जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, ये अगर बारिश में पहले थोड़ा सा गीला में आप पहनेंगे तो क्या होगा, इसका जो पेस्टिंग है पेस्टिंग खुल जाएगा। ये मैं 10 सालों से एक ही ब्रांड हमारे घर वाले घर के लोग पहन रहे हैं, सेम ही चीज़ें। तो आप भी मैं व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट आपको पता चल चुका होगा। आप अगर फर्स्ट है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये खरीदेंगे या ना खरीदेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, और मेरा सिटी सिलीगुड़ी में जो है वो रिपेयर नहीं करेगा, पेस्टिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेगा थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ले लेगा, अगर कोलकाता में है तो फ्री में कर देगा, ठीक है। कोलकाता बात अलग है, जो धर्मतला में एस्प्लेनेड में है उसका बात अलग होता है, और हमारा जो आउट ऑफ द कोलकाता होता है उसका बात थोड़ा सा अलग ही होता है, वो इतना अच्छा सर्विस नहीं देता। तो ये जो स्किनी लेदर है, ये स्किनी लेदर में बहुत मेंटेन करना पड़ता है। ये मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेंटेन करने के लिए आपको ये पॉलिश चाहिए और उसके साथ ये ब्रश चाहिए, ठीक है। ये स्किनी लेदर है, इसके बहुत मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। और एक चीज़ है जो आपको मेंटेन ही करना नहीं पड़ेगा जो मैंने ख़रीदा, ये देखिए, ये जो इसका जो लेदर है, इसके ये इसका जो स्किन होता है, ये स्किन, इस लेदर को कहते हैं नमक लेदर, यानी ये जो इसको कहते हैं स्किन लेदर,
ये स्किनी टाइप होता है, ये हर बहुत सारा मेंटेन करता पड़ता है. वॉल इट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर ऑल वेदर, इट इज़ ओनली फॉर गुड फॉर ड्राई वेदर. ड्राई वेदर के लिए ये सबसे अच्छा ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री है. ये क्या होता है, ऊपर वाला जो स्किन होता है स्मूथी स्किन होता है, अंदर का जो पार्ट है वही पार्ट इसका बाहर रहता है. ये इसका पार्ट में जो अंदर रहता है वही पार्ट ये बाहर रहता है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा देखिए स्मूथ नहीं है, ये जो पार्ट है और इसका जो स्मूथी पार्ट है इशू में ये अंदर रहता है. मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये इसका जो स्मूथी पार्ट है ये अंदर रहता है, इसका जो रफ्स पार्ट है ये बाहर रहता है. ये मेंटेनेंस फ्री है, पानी में भी पड़ सकता है, सब कुछ में भी पड़ सकता है, लेकिन इसका दाम बहुत ही ज़्यादा है, 6,000 रुपीज़ है. मैंने 3 साल अभी रन हो रहा है, कोविड में मैंने ख़रीदा. अभी तो मेन थिंग होता है ना, जो भी आप शू खरीदे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सोल का. सोल अगर फट जाएगा बस कुछ भी, सोल अगर फट जाएगा बस ये जूता जो है सर्वनाश हो जाएगा. ख़रीदने से पहले देखना पड़ेगा ये. और आप अगर स्कूटर में चलेंगे तो मोटरसाइकिल स्कूटर में चलेंगे थोड़ा सा आपको हटना ही पड़ेगा, तो गारंटी 10 महीने के अंदर ये फट जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. आप अगर एक शू 3 साल 4 साल चलाएंगे तो कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, थोड़ा सा. लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, जो लोग वही वाला चीज़ फर्स्ट कैटेगरी का होता है, ज़्यादा पैसा देकर लॉन्गजिविटी एंड ड्यूरेबिलिटी होता है, वही लोग वही ब्रांड का ही खरीदेगा. अगर फर्स्ट टाइप का मेरे जैसा हो तो वो चीज़ वही होगा. और सेकंड टाइप का जो हर एवरी मंथ से एवरी 6 महीने को नए नए चीज़ खरीदना है, उसके लिए स्लीदर इज़ परफेक्ट. इसलिए स्लीदर बहुत कम दामों में, देखिए ये स्लीदर का आप अगर जाएंगे खादिम से अजंता है और सर बहुत सारा आपके पैरागॉन है, बाटा है, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप ये कॉम्पिटिटर आने के बाद उन लोगों को क्या करना पड़ा, उन लोगों को दाम को थोड़ा सा प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा, क्योंकि इसके साथ टक्कर लेना है. ठीक है, इस अगर टक्कर में जो जीतेगा थोड़ा सा कम प्राइस में होगा वही मार्केट पकड़ पाएगा. तो ज़्यादातर कस्टमर की क्या होता है, हर 6 मंथ सेकेंड टाइप की कैटेगरी होता है, जो हर 6 मंथ नया चीज़ खरीदो और फेंक दो, यूज़ एंड थ्रो. इसके लिए ये कंपनी चल रहा है और इसलिए ये स्टैंड कर गया है. तो कौन सा कैटेगरी में है, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, अगर सेकंड टाइप है तो स्लीदर इज़ वेरी आइडियल फॉर दिस ब्रांड, इज़ आइडियल फॉर यू. आप अगर फर्स्ट टाइप के हो यानी ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे लॉन्गजेविटी और 6,000 का जूता खरीदेंगे 10 साल चलाएंगे, ठीक है, ये इससे सस्ता होगा. हर साल 770 करके और 10 सालों में 6,000 ही खर्चा करना पड़ेगा, बस वही चीज़ एक ही होता है, कैलकुलेशन सेम ही होता है. ठीक है, कैलकुलेशन उनका भी है, इनका भी सेम ही होता है, कौन सा कैटेगरी में हो या आपको डिसीजन लेना है. सेकंड टाइप का ये मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा ये खरीदने के. जो रॉ यूज़ करता है उसका स्किनी लेदर मत खरीदिए, उनके लिए नबक जो लेदर है, मैंने जो पहले पिछले बार मैंने कुछ समय पहले जो दिखाया वही शू खरीदिए, तो मेंटेनेंस भी कोई भी एनी वेदर में आप खरीद सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू प्रोडक्ट रिव्यू. बाय.